और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले की आज गोवा तक पहुंच चुकी है। इसे लेकर ईडी ने गोवा आपके तीन नेताओं को समन्स जारी किया है और आज पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अमित पालेकर, रामाराव बाघा, दत्त प्रसाद नाइक को समन्स जारी किया है। आरोप ये है कि साउथ ग्रुप से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। 100 करोड़ रुपए में 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किए गए थे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने दिल्ली में आप नेता दीपक सिंगला से जुड़े परिसरों पर छापेमारी करी है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। बताया गया है कि ईडी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में ये बड़ी कार्रवाई की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीबीआई ने मई 2018 में दीपक सिंगला और महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत थी कि बैंक से 250 करोड़ का लोन लिया गया था, लेकिन वो पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आप नेता दीपक सिंगला से जुड़े तमाम जो परिसर हैं, जो ठिकाने हैं, उन पर ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। इधर कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। और कंगना रनौत के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे लेकर मार्च करते नजर आए। मंडी में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए। उन कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर नजर आए जिनमें कांग्रेस को महिला विरोधी बताया गया। बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं और उन्होंने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट को कंगना रनौत का अपमान बता दिया। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और कंगना को टिकट देने के बाद से ही सियासी घमासान तेज हो गया, क्योंकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत की फोटो लगाते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और उसी पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला का अपमान करने का आरोप लगा दिया। हालांकि कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इसका विरोध जताने के लिए मंडी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। वहां प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया और एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ महिला आयोग और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग कर दी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रिया जो कांग्रेस की नेत्री है उन्होंने की है कंगना के ऊपर। जयराम ठाकुर के मुताबिक हिमाचल के लोग कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी की वजह से कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और प्रदर्शन के जरिए हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कंगना रनौत के साथ मंडी लोकसभा सीट का भी अपमान करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक मांडव्य ऋषि के नाम से मंडी का नाम रखा गया था, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में गलत तरीके से मंडी का नाम पेश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किल तब बढ़ गई जब हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रतिभा सिंह मंडी सीट से मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने इस बार मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। मंडी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रतिभा सिंह पिछले 10 दिन में अपने बयान कई बार बदल चुकी हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने दावा किया था कि हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, इसलिए चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं होगा। फिर कंगना रनौत को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा जता दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहकर कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत बढ़ा दी कि वो मंडी सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाली। प्रतिभा सिंह का हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से 36 का आंकड़ा है। दोनों की खींचतान को ही पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह माना गया था और अब दोनों नेताओं का यही झगड़ा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सिरदर्द बनता दिखने लगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि कहीं उसका गढ़ उसके हाथ से फिसल ना जाए। मंडी लोकसभा सीट सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब वहां से सांसद रहे पंडित सुखराम के ऊपर टेलीकॉम घोटाले के आरोप लगे थे। उस वक्त पर पंडित सुखराम नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री के पद पर थे और जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारी थी तो वहां से कई सूटकेस भर के नोट मिले थे।
जब वो सूटकेस खुलने शुरू हुए थे तो उनसे इतने नोट निकले थे जितने उससे पहले कभी किसी नेता के पास मिले नहीं थे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंडित सुखराम के घर से 50 और 100 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली थी कि सीबीआई की टीम भी हैरान रह गई थी। अकेले उनके मंडी वाले बंगले से ही सीबीआई ने 1,16,00,000 रुपए जब्त किए थे और इनमें कई गड्डियां तो उनके घर में मौजूद मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियों के पीछे छिपा कर रखी गई थी और ऐसी ही कई गड्डियां बिस्तरों, गद्दों और तकियों से निकली थी। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला था और इसका आरोप हिमाचल की इसी मंडी सीट के सांसद और मंत्री पंडित सुखराम पर लगा था। पंडित सुखराम और उनका परिवार देश की राजनीति के जाने माने नाम है। फिल्म एक्टर सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी जिन आयुष शर्मा से हुई है वो पंडित सुखराम के ही पोते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो गई है। नवनीत राणा देर रात बीजेपी में शामिल हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में उनका स्वागत किया है। इस दौरान नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा यहां पर बीजेपी में शामिल हो गई है। जानकारी मिल पा रही है कि देर शाम जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अमरावती से फिलहाल वो निर्दलीय विधायक है और अब जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वही नवनीत राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर पर काम करने वालों का समर्थन करते हैं और मैं पूरे समर्पण के साथ काम करूंगी और सभी को अपना परिवार बनाकर काम करूंगी। आज जो टिकट घोषणा सीधी हुई है उसके लिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का स्पेशली और पूरे देश के जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा साहब का और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावनकुड़े साहब का दिल से धन्यवाद करूँगी। और जितने भी युति में मैं एक ही बता सकती हूँ कि बीजेपी में आज से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहकर मैं मेरे क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी करते आएगा मैं उसमें 100% उतर कर डेडिकेटेड भाजपा की कार्यकर्ता बनकर इस क्षेत्र में आगे काम करूंगी। वही नवनीत राणा के बीजेपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के मजबूत होने की बात कही। मोदी जी ने किए हुए सारे संसद में कायदे को उन्होंने मंजूरी दी और देश भर वो घूमती, जब नवनीत राणा देश भर की बात घूमते थे तब भी उन्होंने मोदी जी का विकास का जो संकल्प है वो जनता तक लेके जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज उनका पार्टी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। हमारे पश्चिम विदर्भ में हमको एक अच्छी नेता मिली है और उनका नेतृत्व ऐसा है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, पुराने नए लोगों को साथ में लेकर वो काम करेगी।